फ्रेंड्स, खाना खिलाना डॉट कॉम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं शालिनी। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार कुरकुरा मसाला पनीर पराठा, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत कम समय में बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बनाना मसाला पनीर पराठा। तो सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है, बोल में डाला है 2 कप आटा, गेहूँ का है ये आटा। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, और अब पानी की मदद से एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो हमारा तैयार हो गया है, अब इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट का, तब तक हम इसे ढक कर रख देते हैं। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है, बोल में डालेंगे 250 ग्राम मसाला पनीर। ये मसाला पनीर मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। यहाँ मैंने 250 ग्राम मसाला पनीर लिया है और ये मसाला पनीर मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। मसाला पनीर की रेसिपी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, और अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये मैंने घर में ही बनाया है। देखिए कितना बढ़िया और जूसी हमारा ये मसाला पनीर बना है और बहुत ही सॉफ्ट है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पनीर को क्रम्बल करेंगे कुछ इस तरह से। अच्छे से मैश कर लीजिए उसे। मसाला पनीर में सारे मसाले पहले से ही पड़े हुए हैं, इसलिए इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप और स्पाइसी चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें प्याज, बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे यहाँ स्किप कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पहले से ही मसाला पनीर अगर आप बना कर रख लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको पराठे बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ये आप पहले से बना के रख लीजिए, और अगले दिन जब भी आपको बनाना हो तो बस सिर्फ आटा गूंदना है नमक डालकर, और बाकी सारे मसाले पनीर में हमारे पहले से ही हैं तो उसमें ज़्यादा आपको देर नहीं लगेगी बनाने में। पराठे की स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, चलिए पराठे बनाने शुरू करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारा डो भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। चलिए अब पराठे बेलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा डो ले लेंगे। जितने बड़े आपको पराठे बनाने हैं उसके हिसाब से आप डो ले लीजिएगा। अब इसको हाथों से इस तरह से फैलाइए। हाथों से इस तरह से इसको फैला लीजिए लोई को, और अब इसके सेंटर में रखेंगे पनीर की स्टफिंग, और अच्छे से इसको पैक कर दीजिए। जैसे कि हम आलू के पराठे बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, इस तरह से इसको सील कर दीजिए और हल्का हल्का इसको प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे पराठे फटे नहीं। अब थोड़ा सा सूखा आटा चकले पर डस्ट करेंगे इस तरह से, और अब इसको बेलेंगे। हल्के हाथों से बेलेंगे। आपको जितना बड़ा पराठा बनाना हो उतना आप बेल लीजिए इसको। पराठे को बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा, थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। ये लीजिए। चलिए एक पराठा और बेल के दिखाते हैं आपको। इस तरह से लोई को फैला लीजिए।
तो देखिए मैंने पराठा ऐसा बेला है, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। तो आप इसी तरह से सारे पराठे अपने बेल लीजिए और अब इनको सेकेंगे। तो यहाँ मैंने गैस पर एक तवा रख लिया है, गैस को लो हीट पर रखिएगा। अभी तवा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसको थोड़ा सा हम ग्रीस कर देंगे इस तरह से। अब हम पराठे को सेकेंगे। गैस को मीडियम हीट पर ले लीजिए। एक तरफ से सेकने पर पलट देंगे इस तरह से। लीजिए हमारा गर्मा गर्म पराठा तैयार हो गया है। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। चलिए इसको उतार लेते हैं। और इसी तरह से हम अपने सारे पराठे सेक कर तैयार कर लेते हैं। लीजिए हमारा ये पराठा भी बातों बातों में तैयार हो गया और इसी तरह से आप अपने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लीजिए। लीजिए हमारा मसाला पनीर का गर्मा गर्म पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि कितना बढ़िया पराठा बना है। अंदर से बहुत सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। चलिए अब इनको सर्व करते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था। मुझे तो इसे बनाते बनाते ही भूख लग गई। आई एम श्योर आप जब भी इसे बनाएंगे आपकी फैमिली में सबको पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।